Hey guys, welcome to and welcome back to Unfashion with Uma. This is Uma Mittal, your fashion designer. तो आज हम बात करने वाले हैं फैशन डिजाइनिंग के बारे में और फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मिलता है आपको फैशन का भंडार, फैशन डिजाइनिंग की नॉलेज और यहाँ कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस भी अपलोड होती हैं, जहाँ आप सीख सकते हैं कि आप गाउन, लहंगा, चोली, टॉप, ब्लाउज कैसे बना सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी की सहायता से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फैशन डिजाइनिंग क्या है? तो फैशन डिजाइनिंग ऐसा आप समझ सकते हो सिंपली कि कपड़ों को डिज़ाइन करना कहते हैं। तो कपड़ों को डिज़ाइन करने के लिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी हम कपड़ा डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास एक आइडिया आता है, जो माइंड में हमारा आइडिया होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसे इलस्ट्रेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपनी आइडिया को किसी को समझाओगे तो वो इतना ईजिली नहीं समझ में आता। अगर आप इलस्ट्रेट करके उस इलस्ट्रेशन को अपने क्लाइंट्स को दिखाओगे या फिर अपने बॉस को दिखाओगे तो वो ईजिली आपका डिज़ाइन समझ सकते हैं। तो ये आप पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने इलस्ट्रेट करा हुआ है, ये वाला मैंने पूरा इलस्ट्रेट करा है, उसके बाद मैंने उसको स्टिच करा है। गारमेंट आप देख सकते हैं साइड में कि ये स्टिच करके गारमेंट मैंने रेडी करा है। तो इसको पूरा फॉलो करा है मैंने पूरा प्रोसेस, कि आपको पहले आइडिया होना चाहिए, उसको इलस्ट्रेट करने के बाद आपको पूरा पैटर्न मेकिंग बनाना पड़ता है, पैटर्न मेकिंग के बाद आपको पूरा स्टिच करना पड़ता है गारमेंट, एंड उसके बाद फोटोशूट करके उसको एडवर्टाइज करके उसके बाद वो सेल आउट होता है। तो फैशन डिजाइनिंग में पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में जो है वो बहुत तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लाइक आपको यहाँ पे टेक्सटाइल की नॉलेज दी जाती है, एम्ब्रॉयडरी की नॉलेज दी जाती है, ड्रेपिंग की नॉलेज दी जाती है, आपको पैटर्न मेकिंग की नॉलेज दी जाती है, मर्चेंडाइजिंग की नॉलेज दी जाती है, मार्केटिंग की नॉलेज दी जाती है। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं विदाउट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज आप उसे सेल नहीं कर सकती है। आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती है मार्केटिंग की, और मार्केटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट आप कहाँ से कर सकते हैं, इसकी मैं वीडियो डिटेल में बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरे सीरीज़ के अंदर मैं फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा चैनल के अंदर, तो आप उस चैनल पर विजिट करके मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको फैशन डिज़ाइनिंग की पूरी नॉलेज मिलेगी अगर आप अपना करियर इसके अंदर बनाना चाहते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है वो आप उसके अंदर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट है और आपका जो करियर बनाने का वो एम है आपको फैशन डिज़ाइनिंग में बनाना है, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास 50% मार्क्स आए हैं। तो इस कोर्स को आप 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो आपको निफ्ट और पर्ल अकेडमी जो है और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ग्रेजुएशन इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसकी फ़ीस की बात करें, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 10-11 लग इजीली लग जाता है। बाकी अगर आप निफ्ट से करते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड रहता है, तो वहाँ पे आपका जो फीस है वो 4-5 लाख या 8-9 लाख में इजीली हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट किसी और स्ट्रीम से कर चुके हैं, लाइक आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं बट आपका करियर बनाने का मन है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में बनाएं, तो आप इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इजीली कर सकते हैं। तो आपको पर्ल अकेडमी और निफ्ट दोनों ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, तो वो इस फीस आपको 2 साल की 10-11 लाख तक की पड़ती है। बाकी स्मॉल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत हैं जो एंट्रेंस विदाउट एंट्रेंस ही आपका एडमिशन ले लेते हैं और नॉलेज भी पूरी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हर इंस्टीट्यूट करवाता है। तो यहाँ इंस्टीट्यूट्स लाइक INIFD है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, JD इंस्टीट्यूट हो गया, YMCA हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं हमें 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा। तो आपको एटलीस्ट वन ईयर का डिप्लोमा तो करना ही चाहिए, क्योंकि जॉब में अगर जाओगे या फिर इंटर्नशिप करने भी जाओगे तो डिमांड करते हैं कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडीज़ की है तो वो कहाँ से की है। तो ये हमारे पूरा डिटेल रहा है फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। अब इस अगली वीडियो में बनाने वाली हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके क्या सिलेबस रहते हैं। तो अगर आपको इसी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाय बाय गाइस, टेक केयर।